महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस की जो न्यू वैकेंसी आनी है उनके बारे में। तो बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि मैम ये बता दें कि वैकेंसी जो है वो कब तक आएगी, कितनी सीट होंगी, क्या कुछ बदलाव होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज जो है हम अपनी बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले ही क्वेश्चन है कि क्या बदलाव होंगे, तो इसमें जो है जो भी आर्ट वाले स्टूडेंट हैं तो उनकी योग्यता में जो है कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। किसकी? आर्ट के जो है टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी मिसलेनियस में जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, और बाकी क्लियर तो तभी पता चलेगा जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब दूसरा सवाल ये है था कि वैकेंसी जो है कब तक आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में जो है जीएसए का जो है जॉइनिंग है, और कर्नाटक और राजस्थान का नोटिस भी आ चुके हैं, और वहाँ जो है लगभग 20 तारीख के आसपास जो है जुलाई में जॉइनिंग है। तो इसी तरह से और भी राज्यों में जॉइनिंग होनी है, तो आप मान के चल सकते हैं कि ये सारा इस प्रोसेस इसमें ही लग जाएगा। जुलाई आपका पूरा कंप्लीट, कुछ टाइम अगस्त का भी जा सकता है, और फिर और थोड़े बहुत काम है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अगस्त के लास्ट में बिल्कुल या सितंबर में आने की उम्मीद की जा रही है। अब ये कहेंगे मैम क्या कब का है सही है, तो 100% तो सही आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो है आरटीआई के माध्यम से कुछ स्टूडेंट जो जिन्होंने ज्वाइन कराया उस तरह से या कुछ साथ वाले हैं उनसे थोड़ा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बिल्कुल सटीक कहना तो तभी है जबकि जब ही हो सकता है कि जब कोई ईएमआरएस जो है कोई नोटिस जारी करे या इन्फॉर्मेशन दे। अब बात करते हैं आपकी सीट के ऊपर, तो सीट कितनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें जो थी 38,000 सीटें थी। कितनी थी? 38,000 सीटें बताई गई थी कि जो इसके द्वारा फिल होनी थी ईएमआरएस के। अच्छा, उनमें से जो है 10,000 प्लस पे जो है वैकेंसी आ चुकी है, तो यानी कितनी बची हैं? 28,000 सीटें बची हैं। अब इनमें से क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 10,000 जब फर्स्ट पे इतनी दी तो इससे तो वैकेंसी आपकी प्लस होके ही आएंगी, ठीक है। दूसरा, अगर 28 हैं तो गवर्नमेंट दो बार में भरनी है, तो एक बार में तो बहुत ज़्यादा देंगी नहीं, तो ऐसी तो उम्मीद है 14,000 के आसपास जो है वैकेंसी यहाँ पर बन सकती है। अब मैं आपको सीधा सा एक आंकड़ा बता दूं कि आपकी वैकेंसी जो है 11,000 से 14,000 के बीच आने की उम्मीद है। अब आप कहेंगे कि बिल्कुल सटीक सटीक तो देखो किसी को भी नहीं पता है, वो तो सिर्फ ईएमआरएस वाले ही जान सकते हैं कि कितनी है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि नहीं इतनी आ रही है, 25,000 आ रही है, 15 आ रही है, तो वो मेरा काम नहीं है। जो सटीक है, जो वास्तव में मुझे लग रहा है और जो जिसकी पुष्टि मैं कर सकती हूँ और जितना अनुमान है, तो वो ये है कि आपकी जो वैकेंसी है वो 11,000 से 14,000 के बीच में आने की उम्मीद काफ़ी है। तो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।